नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पूजा शुक्ला। ये जराते हैं आज के खबर की ओर। महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मंगलवार को पिकनिक पर गए परिवार के 3 सदस्यों में से 2 की हत्या कर दी गई। मृतकों में एक माँ और उसका 10 साल का बेटा शामिल है। दोनों के शव 2 अलग अलग झाड़ियों से बरामद हुए हैं। महिला का पति अभी भी गायब है। मंगलवार शाम को एक ग्रामीण ने दोनों के शवों को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतकों के नाम आयान शेख और उसकी माँ आलिया आबिद शेख है। दोनों के शरीर पर तेज हथियार से वार करने के निशान है। आलिया का शव सासवड इलाके में बरामद हुआ और उनकी कार पुणे सातारा रोड पर सड़क किनारे मिली। इसके कुछ देर बाद कातरच टनल के पास आयान का शव मिला। दोनों को बेरहमी से मार दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि महिला का पति अभी भी गायब है। पुणे ग्रामीण के अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट मिलिंद मोहिते के मुताबिक इस मामले में सासवड़ और भारती विद्यापुई पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग केस दर्ज हुए। जांच में सामने आया कि वे पुणे के धानोरी इलाके में रहते थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए ससुर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। महिला की बॉडी पर ट्रैक पैंट और टी शर्ट था। अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जहां दोनों के शव मिले हैं वहां खून का कोई निशान नहीं था। यह संभव है कि हत्या कहीं और हुई हो। मोहिते ने आगे बताया कि इनकी कार पुणे सातारा रोड में एक सिनेमा हॉल के पास से बरामद हुई। ये दोनों किसके साथ गए थे और आखिर क्या हुआ, इसकी पुलिस जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि महिला का पति आबिद शेख एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर। तीनों रविवार को एक ब्रेजा किराए पर लेकर पिकनिक के लिए गए। आबिद का फोन अभी भी बंद है और वह लापता है। उसकी तलाश लगातार जारी है। देखिए आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।